भाई जो लोग क्लास छोड़े उन लोग देखेगा। कौन छोड़ेगा क्लास, पहले तो पढ़ चुके हो ना एक बार। अच्छा एक बार भी नहीं पढ़े ना तुम लोग? नो सर। तो ठीक है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता भी नहीं है। बायोमेटेलिक स्ट्रिप क्या होता है? बायोमेटेलिक स्ट्रिप देखो, एक स्ट्रिप को आप दूसरे स्ट्रिप के साथ इस तरह से कनेक्ट करके बायोमेटेलिक बोल रहे हैं। दो मेटल का स्ट्रिप को इस तरह से हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, ये पूरा इस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है। सपोज है कि अलग अलग टाइप के दो स्ट्रिप्स हैं, दो अलग अलग मेटल का बना हुआ है। तो अलग अलग मेटल का बना हुआ तो क्या होगा, इसका मान लेते हैं कि लीनियर एक्सपेंशन अल्फा वन है, इसका मान लेते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या है, अल्फा टू है, ठीक है। मान लेते हैं इसका ओरिजिनल लेंथ कितना था, एल नॉट था, और एक कंडीशन और मान के चलते हैं कि अल्फा वन ग्रेटर देन क्या है, अल्फा टू। अल्फा टू भी मान सकते थे ग्रेटर देन, लेकिन अल्फा वन अगर अल्फा ग्रेटर देन अल्फा टू हो, अगर आप मान लो इसको हिट करोगे तो क्या होगा तो इसका फाइल लीनियर एक्सपेंशन एक्सपेंशन तो होगा, लेकिन कैसा होगा, किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा? वेरी अल्फा वाले में, अल्फा वन वाले में ज्यादा होगा। गुड, अल्फा वन क्या है, ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, ज्यादा एक्सपेंड करना चाहेगा कंपेयर टू अल्फा टू। तो जब एक्सपेंड करना चाहेगा ज्यादा तो कैसा हो जाएगा, एक कॉन्टेक्ट तो ब्रेक हो नहीं सकता, ठीक है, एक तो फिक्स कॉन्टेक्ट है, तो ये क्या होता है, थोड़ा सा बेंड हो जाता है। क्या होता है, इस तरह से बेंड हो जाता है। ठीक है, तो जब बेंड हो जाएगा तो क्या होगा, इसमें अब इसका एक्सपेंशन क्या होगा, ज्यादा होगा। ऊपर वाले मेटेलिक स्ट्रिप का क्या होगा, ज्यादा एक्सपेंशन होगा, और इसमें क्या होगा, कम होगा। बेंड क्यों हुआ, क्योंकि ये जो कॉन्टेक्ट था क्या था, फिक्स था ना, ये कॉन्टेक्ट फिक्स था, तो इस डायरेक्शन में तो एक्सपेंड हो नहीं सकता था, तो इसमें ज्यादा एक्सपेंशन होना था, तो इस तरह से क्या हुआ, बेंड हो गया, ठीक है। अगर ये इस तरह से बेंड होता है, ये रेडियस कितना होगा, ठीक है, ये अपने को निकालना है कि ये रेडियस कितना होगा, ठीक है। इसका हम लोग थिकनेस मान लेते हैं कि टी है, या जो भी टी मान लेते हैं, और यहां से यहां तक जो पहला मेटेलिक स्ट्रिप है उसको मान लेते हैं, उसका रेडियस क्या हुआ, आर वन हुआ, और दूसरा जो है उसको हम लोग मान लेते हैं कि आर टू हुआ। ठीक है, इसका मिड पॉइंट ले लिए हैं एवरेज रेडियस के लिए, ठीक है, इसका एवरेज रेडियस के लिए हम लोग मिड पॉइंट ले लिए हैं कि यहां से लेके यहां तक का कितना हो गया, आर वन हो गया, ठीक है, और पूरा यहां से लेके यहां तक का आर टू हो गया, ठीक है। ये एंगल मान के चलते हैं कितना है, मान लेते हैं कि एंगल हो गया थीटा हो गया, ठीक है। इसका लेंथ हम लोग मान लेते हैं, इसका लेंथ हो गया एल वन, इसका लेंथ हो गया एल टू, ठीक है। अगर आप बताओगे इस तरह से आर्क बना है, एल वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर थीटा होगा कि नहीं होगा, यस सर, लेकिन आर तो सिर्फ नीचे वाला तक का है ना। एवरेज माना ना इसका, इसका हम लोग इसको आर आर वन कर लेते हैं, उल्टा हो गया, तो इसको आर टू कर लेते हैं, एल टू है तो आर टू, इसको हम लोग मान लेते हैं आर वन। क्या बोल रहे हो, अरे इसका लेंथ निकाल रहा हूँ, एवरेज लेंथ ले रहे हैं ना हम लोग, रेडियस क्या ले रहे हैं, एवरेज रेडियस ले रहे हैं। ये हमारा क्या है, एल वन है, इस तरह से कोई आर्क बनाता है जिसका अगर रेडियस अगर मान लो कि आर वन हो, एंगल थीटा बना रहा है, तो एल वन इक्वल टू कितना होता है, आर वन थीटा, यस सर। ठीक है। हाँ और एल टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल टू इक्वल टू हो जाएगा आर टू आर इंटू, थीटा, आर टू थीटा। ठीक है। अब अगर एल वन एल टू को देखेंगे तो अगर एक्सपेंसिव वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करें, एल वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल वन इक्वल टू हो जाएगा एल नॉट एल नॉट इंटू वन इंटू प्लस वन प्लस अल्फा वन अल्फा इंटू वन इंटू इंटू, डेल्टा टी। तो भी टेम्परेचर चेंज हुआ होगा, डेल्टा टी, ठीक। उस तरह से एल टू की बात करेंगे तो एल टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल टू के नॉट ओरिजिनल लेंथ इसका भी था वन प्लस अल्फा टू अल्फा टू इंटू डेल्टा टू। डेल्टा टी। अभी जो आर वन आर टू है, ठीक है, हमको निकालना क्या है, ये आर निकालना है, ये हमको क्या निकालना है, आर आर निकालना है, ठीक है। आर क्या होगा, ए रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो आर वन चाहे आर टू जो भी है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, आर वन इज इक्वल टू
आर वन इज इक्वल टू लिख सकते हैं आर प्लस टी बाई टू। अगर पूरा थिकनेस क्या है मेटल के स्ट्रिप का, अगर थिकनेस कितना है टी है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक कितना होगा टी बाई टू, तो हाँ आर प्लस टी बाई टू। टी बाई आर वन टू जो होगा क्या हो जाएगा आर प्लस टी बाई टू, जहाँ टी क्या है इसका थिकनेस ऑफ ये स्ट्रिप है, मेटल के स्ट्रिप का थिकनेस कितना दे रखा है आपको टी दे रखा है, इनटू कितना हो जाएगा थीटा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, तो अगर आर टू की बात करें तो आर टू कितना हो जाएगा, तो आर माइनस टी बाई टू, माइनस टी बाई टू आर माइनस टी बाई टू इंटू थीटा। ठीक है, तो अब अगर एल वन बाई एल टू अगर डिवाइड करते हैं, एल वन बाई एल टू अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इस दोनों को अगर डिवाइड करते हो तो कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा आर प्लस टी बाई टू डिवाइड बाई आर माइनस टी बाई टू, जो फर्स्ट दो इक्वेशन है इन दोनों का क्या हमने डिवाइड कर दिया, तो कितना आ जाएगा आर प्लस टी बाई टू डिवाइड बाई आर माइनस टी बाई टू, थीटा थीटा क्या आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या, इधर बचेगा एल वन डिवाइड बाई एल टू, एल वन डिवाइड बाई एल टू को हम यहाँ से लिख सकते हैं एल नॉट इंटू वन प्लस अल्फा वन डेल्टा टी डिवाइड बाई एल नॉट इंटू वन प्लस अल्फा टू इंटू डेल्टा टी। ठीक है, एल नॉट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। आपको क्या निकालना है, आर निकालना है। ठीक है, आपको आर निकालना है, इसको यहाँ से सॉल्व कर लोगे आ जाएगा कितना आर प्लस टी बाई टू इंटू वन प्लस अल्फा टू डेल्टा टी, इसको सॉल्व कर लोगे क्या, आर माइनस टी बाई टू इंटू वन प्लस अल्फा वन डेल्टा टी। ठीक है, आर को आर निकालना है आपको, तो आर को एक तरफ लाओ सबको, यहां से अगर आर कॉमन लोगे तो आर कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा, ऐसे यहां से हो जाएगा वन प्लस अल्फा टू डेल्टा टी, आर को मल्टीप्लाई करेंगे वन प्लस अल्फा टू डेल्टा टी, और यहां से देखेंगे तो आर मल्टीप्लाई होगा वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, टी वन बाई टू माइनस कितना था, अल्फा डेल्टा टी। ठीक है ना, टी बाई टू था उसका। टी बाई टू लिख रहे हैं अभी, तो सिर्फ अभी आर निकालने के लिए आर कॉमन ले रहे हैं, इसको भी आर से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी आर से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इस साइड लाके हमने लिख दिया, आर इंटू क्या हो जाएगा वन प्लस अल्फा टू डेल्टा टी, इधर से देखेंगे तो आर इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, इसको हमने इधर लेके आया तो माइनस में हो गया, तो वन सॉरी यहाँ पे प्लस हो जाएगा वन प्लस अल्फा वन डेल्टा टी, ये पूरा आर कॉमन हो गया। अब बचेगा क्या, यहाँ से बच जाएगा कितना माइनस टी बाई टू इंटू वन प्लस अल्फा वन डेल्टा टी, और इसको इधर से लाते हो तो इधर से कितना आ जाएगा माइनस ऑफ टी बाई टू इंटू वन प्लस अल्फा टू इंटू डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ से देखोगे तो वन वन क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आर, बचेगा आर यहाँ से क्या बचेगा अल्फा टू माइनस अल्फा वन इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अल्फा टू माइनस अल्फा वन इंटू डेल्टा टी, और यहां से क्या बचेगा, यहां से देखोगे तो ए टी बाई टू और माइनस टी बाई टू कितना हो जाएगा, तो माइनस टी हो जाएगा, और यहां से हो जाएगा टी इंटू अल्फा वन इंटू डेल्टा टी, यहां से हो जाएगा माइनस टी इंटू अल्फा टू इंटू डेल्टा। टी कॉमन ही ले लो ना, ऐसा करो माइनस टी बाई टू कॉमन ले लो तो हो जाएगा वन प्लस, वन प्लस अल्फा वन डेल्टा डी, फिर और यहां से आ जाएगा यहाँ पर प्लस में ही रहेगा, प्लस वन प्लस अल्फा टू डेल्टा डी, तो दोनों दो दो बार जुड़ गया, मतलब अल्फा टू लेकिन अलग अलग है, हो जाएगा टू इंटू अल्फा वन प्लस अल्फा टू इंटू अल्फा डेल्टा वन टी। प्लस अल्फा टू इंटू डेल्टा डी। ठीक है, कुछ गड़बड़ आया क्या, कहीं गलती तो नहीं किया ना, आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर इक्वल टू देखोगे तो इसको माइनस को अंदर ले जाते हैं हम, मतलब इधर की ओर लाते हैं, तो अल्फा माइनस अल्फा टू कर दूंगा उसका। ठीक है, तो हो जाएगा टी बाई टू इंटू टू प्लस
अल्फा वन प्लस अल्फा टू इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई, बेसिकली प्रोसेस आपको याद रखना है, अल्फा वन माइनस अल्फा टू कर देता हूँ, अल्फा वन बड़ा बड़ा था, माइनस ले लेंगे यहाँ से कॉमन, आपका क्या जाएगा रेडियस आ जाएगा, ठीक है। आपको याद नहीं रखना है, आपको जब भी आएगा तो उस प्रोसेस के थ्रू आप इसको सॉल्व करेंगे। सर उधर माइनस टी बाई टू था, उसको माइनस हटा दिए हैं। हाँ माइनस हटा दिया ना, अल्फा टू माइनस अल्फा वन को हमने अल्फा वन माइनस अल्फा टू कर दिया, नीचे भी माइनस मल्टीप्लाई कर दिया बेसिकली, तो जो अल्फा टू माइनस अल्फा वन था उसको क्या कर दिया हमने, अल्फा वन माइनस अल्फा टू कर दिया, ठीक है। ये जो रेडियस आया ये डिपेंड किस पे कर रहा है, ओरिजिनल लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ से एक चीज देख रहे हो आगे कि ओरिजिनल लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, डिपेंड किस पे कर रहा है, अल्फा वन अल्फा टू पे, डेल्टा टी पे और थिकनेस पे, ठीक है। इस फॉर्मेट से तो बढ़िया है कि यही फॉर्मेट याद रखो, ज्यादा बेटर है। नहीं आर प्लस टी बाई टू डिवाइड बाई आर माइनस टी बाई टू इक्वल टू वन इक्वल्स प्लस टू 1 अल्फा अल्फा वन 1 डेल्टा डिवाइडेड, टी डिवाइड बाई, ये ज्यादा आसान है। और क्या मेरे को भी लग रहा है, ठीक है। अगर डाटा दिया रहेगा तो यहाँ से सॉल्व करना आपको क्या आ जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। आर निकालना है तो आर निकाल लोगे, थीटा निकालना है तो थीटा निकाल लोगे, ठीक है। यस सर, थीटा कैसे निकलेगा, तो जब आपको आर पता चल जाएगा, ठीक है, आर पता चलेगा, टी दिया हुआ है तो आर वन पता चल जाएगा, एल वन पहले से पता होगा, एल वन कैसे निकाल लोगे, एल नॉट इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी से। थीटा निकालना होगा तो थीटा भी आप वहां से आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। ये सब आप आराम से दिमाग लगा के, दिमाग भी नहीं लगाना इसमें तो, दिमाग बंद करके आराम से इसको निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना, हाँ सर। देख लेना, ये फालतू चीज है ना, भी नोट करो तो काम चल जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन देता हूँ, बताओ तो। एक इस तरह से सीट है, मेटालिक सीट है, ठीक है, इसमें इस तरह से दो होल है, सर्कुलर होल है, इसका रेडियस मान लेते हैं आर वन है, इसका रेडियस मान लेते हैं कि आर टू है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं कि एक्स है, ठीक है, ए लेंथ मान लेते हैं कि ए है, ए लेंथ मान लेते हैं कि बी है, इसको क्या किया हमने डेल्टा, इसको क्या किया हीट करके इसका टेम्परेचर हमने डेल्टा टी कर दिया, ठीक है, डेल्टा टी से इसका टेम्परेचर क्या किया हमने इंक्रीज कर दिया, ठीक है। इंक्रीज करने के बाद इसका जो न्यू लेंथ आया एडस हो गया, जो विड्थ है इसका क्या हो गया बीडस हो गया, इसका जो रेडियस था वो क्या हो गया आरडस हो गया, ठीक है, इस दोनों के बीच में जो लेंथ था वो एक्स डैश हो गया, और इसके बीच का जो रेडियस था वो क्या हो गया आर टू डैश हो गया। तो जरा बताओ तो जरा कि आर वन डिवाइड बाई या फिर आर वन डैश डिवाइड बाई आर वन, एक्स डैश डिवाइड बाई एक्स, आर टू डैश डिवाइड बाई आर, या फिर उस तरह से ए डैश डिवाइड बाई ए, या फिर बी डैश डिवाइड बाई बी, ये सबकी वैल्यू कितनी होगी। बात समझ में आया क्वेश्चन क्या है, इस तरह का स्ट्रिप था, ठीक है, सीट था, उसमें दो छेद थे जिसका एक का रेडियस कितना था आर वन, दूसरा का रेडियस कितना था आर टू था, उसको हीट कर दिया गया। हीट करने से क्या होगा, कुछ ना कुछ डायमेंशन में चेंज जाएंगे ना, तो हम डायमेंशन मान लिए, ए डायमेंशन हो गया ए डैश, ए डायमेंशन हो गया बी डैश, ये हो गया आर डैश, ये हो गया आर टू डैश, इनके बीच का जो डिस्टेंस था हो गया एक्स डैश। तो आपको बताना है कि सब क्या होगा, पहले तो बताओ कि ये जो होल किया है इसका जो रेडियस है इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, बताओ तो। बताओ हाँ ना कुछ तो बोलो सर, इसमें साकेत तुके कहाँ से आ गया आज, रिया हुआ कहाँ से आ गए जी आज, बोले चलो चल के देखते हैं क्या चल रहा है इधर ऑनलाइन में, क्या हो बताओ तो, रेडियस इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, रेडियस क्या करेगा इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, ये जो सारा क्योंकि एक्सपेंशन होता है ना, हीट करते हो तो क्या करते हो एक्सपेंशन करते हो, तो सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस हो क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे, तो सारा चीज क्या करेगा, ए भी क्या करेगा, ए होल भी इंक्रीज करेगा, ए भी क्या करेगा इंक्रीज करेगा, सारा कुछ क्या करेगा इंक्रीज करेगा, बस लगा दो हर जगह पे एक ही फॉर्मूला लगाना है, आर डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा
जैसे पहले करते हैं ए डैश, ए डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये ए लेंथ नॉट जो है, हाँ जो भी है, ए इंटू कितना हो जाएगा वन प्लस, वन इसका प्लस अगर लीनियर एक्सपेंशन दे रखा है तो कितना हो जाएगा अल्फा इंटू डेल्टा अल्फा इंटू डेल्टा टी। टी। इसका मतलब क्या हो गया कि ए डैश बाई ए कितना हो जाएगा, ए डैश बाई ए इक्वल टू आ जाएगा वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर इन जो राइज किया है। उसी तरह से अगर बी बाई बी डैश निकालेंगे तो वो भी क्या आएगा, बी डैश इक्वल टू बी इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। उसी तरह से अगर आर डैश निकालेंगे, आर वन डैश, वो भी कितना आ जाएगा, तो आर वन इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। उसी तरह से आर टू डैश निकालेंगे तो वो भी कितना आएगा, आर टू इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। सब लीनियर एक्सपेंशन हो रहा है ना सब। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे एक आप इसी मेटल का रख देते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, जैसे बताता हूँ कि कोई लगता होगा कि नहीं सर घटना चाहिए। मान लो कि इसको हीट करेंगे तो इसका रेडियस इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, हेलो बोलते हैं इसे घटेगा, तो घटेगा भाई। अगर मान लो कि कटा हुआ ना हो के सेम मटेरियल का रहता है यहाँ पे, उसी मटेरियल से आप इसको क्या करो, फिलअप कर दो। अब अगर आप हीट करते इसका डायमेंशन क्या होता है, इंक्रीज करता कि डिक्रीज करता, इंक्रीज करता। इंक्रीज अभी भी वही इंक्रीज कंडीशन होगा, अब इसके जहाँ है चाहे नहीं है, ऐसा थोड़ा ना कि इसके कारण इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज क्यों कर रहा है, ये मटेरियल क्या कर रहा होगा, दूर जा रहा होगा। ठीक है, तो हर केस में चाहे आर डैश बाई आर वन लो, एक्स डैश बाई एक्स लो, आर टू डैश बाई आर लो, आर टू लो, ठीक है, या फिर ए डैश बाई ए लो, सबकी जो वैल्यू होगी क्या होगी, इक्वल होगी, किसके बराबर होगी, वन प्लस अल्फा डेल्टा टी के बराबर। ठीक है, ये कई लोग को लगता है सर डिक्रीज करेगा, ये रेडियस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा हीटिंग करने पे, रेडियस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, बायोमेटेलिक स्ट्रिप्स। दूसरा है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरिएशन इन डेंसिटी। छोटा छोटा टॉपिक है, बहुत सिंपल सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है, एक एक करके फटाफट पढ़ते जाओगे, जहां भी समझ में नहीं आएगा वहां पे बस बोल देना। वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर के साथ डेंसिटी कैसे चेंज करेगा। मान लो कोई ऐसा ब्लॉक है जिसका मास है मान लो कि एम है, इसका वॉल्यूम मान लो कि वी है, इसका डेंसिटी कितना होगा, तो रो नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा, m बाई बी एम बाई वी। अगर आपने मान लो कि इसका टेम्परेचर आपने चेंज कर दिया टी से, ठीक है, टी से टी प्लस डेल्टा टी कर दिया, तो वी क्या हो जाएगा, वी प्लस डेल्टा वी, और मास भी चेंज हो जाएगा क्या, नो सर, मास तो कांस्टेंट ही रहेगा। नो मास क्या रहेगा, कांस्टेंट सर रहेगा। तो किसी भी टेम्परेचर पे अगर टेम्परेचर राइज करते हो, उस टेम्परेचर पे मान लेते हैं इसका डेंसिटी कितना हो गया, रो टी हो गया, ये क्या है, डेंसिटी एट एनी टेम्परेचर टी। तो क्या हो जाएगा, मास तो मास ही रहेगा, और क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। वॉल्यूम क्या होगा, कैसे चेंज चेंज होगा, हो जाएगा। इसका मान लो कि वॉल्यूम है तो क्या मानेंगे, गामा मानेंगे, वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा गामा। ठीक है, सब कुछ लिख नहीं रहे हैं, सब समझ जाओगे, नोटेशन दे रखे समझ जाओगे ना, सब कुछ लिखने लगेंगे यस तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, उतना इस टॉपिक को इतना इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, इतना कहीं और दिमाग लगाओगे तो 4-5 नंबर ज्यादा बढ़ जाएगा, तो फटाफट बस करते जाओ, अगर कहीं आ गया तो कर लेंगे। तो वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बी वॉल्यूम प्लस इसको ले सकते हैं हम लोग बी टी, तो एम बाई बी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी इंटू वन प्लस गामा डेल्टा टी, गामा डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी क्या है, पर टेम्परेचर राइज है, ये हमारा डेल्टा टी टेम्परेचर क्या है, राइज है। राइज है। इसको क्या ले सकते हैं कि रो टी इज इक्वल टू, ये रो है, रो मतलब डेंसिटी है, ठीक है, रो टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो एम बाई वी, एम बाई वी क्या हो जाएगा हमारा, रो नॉट हो जाएगा, एम बाई वी क्या हो जाएगा हमारा, रो नॉट हो रो जाएगा, नॉट रो नॉट क्या, जो ओरिजिनल डेंसिटी था, इनटू हम लिख सकते हैं वन प्लस गामा डेल्टा टी रेस टू पावर माइनस वन, लिख सकते हैं ना, यस रेस टू सर पावर माइनस वन। ठीक है, और आपको एक बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन पता होगा, अगर वन प्लस एक्स रेस टू पावर अगर एन है, ठीक है, अगर एक्स क्या हो, मच 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 लेस देन वन हो, वन
तो इस केस में इसकी जो वैल्यू जाती है अप्रोक्सीमेटली इक्वल किसको जाती है, 1 + nx बराबर, वेरी गुड। तो यहाँ पे जो गामा है, गामा की वैल्यू क्या होती है, बहुत बहुत छोटा होता है, आप कहीं क्वेश्चन में देखना गामा की वैल्यू क्या रहती है, बहुत बहुत छोटा रहती है, -3 -4 ऐसे करके रहती है। तो क्या है, जो क्वांटिटी हो गया बहुत ही बहुत 1 से छोटा हो गया, तो हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 - γ δt। तो जो डेंसिटी हुआ टेम्परेचर के साथ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो डेंसिटी बेसिकली क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, माइनस आ गया ना गामा डेल्टा टी, जहां पे रो नॉट क्या है, तो टी इक्वल टू 0 पे जो भी इसका डेंसिटी होगा वो है, और रो टी क्या है, तो रो टी है टी इक्वल टू टी पे इसका जो डेंसिटी होगा, डेल्टा टी क्या है, तो टेंपरेचर इन राइज, गामा क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम चेंज, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है। तो आप देखोगे कि ऑब्वियस है, मास तो कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। कहीं पे अगर डेंसिटी निकालना हो तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, रो टी इक्वल टू रो नॉट इनटू 1 - γ δt, ठीक है। ये सब हम लोग थर्मल एक्सपेंशन के वो पढ़ रहे हैं, यूज पढ़ रहे थे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या क्या है, इन सारे एप्लीकेशन देख रहे थे, ठीक है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे इसका एप्लीकेशन है, ठीक है। बायोमेटेलिक स्ट्रिप है जैसे, उसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, जैसे कि ये सब चीजें हैं, ये सब का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जैसे बायोमेटेलिक स्ट्रिप है, इनका यूज होता है सर्किट ब्रेकर में, ठीक है, ये सब का सर्किट ब्रेकर में यूज होता है। मान लो कि इस तरह से सर्किट को इस तरह से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, इधर से मान लो करंट आ रहा आई, और यहाँ पे बायोमेटेलिक स्ट्रिप लगा दिया इस तरह से, ठीक है, और फिर यहाँ से कनेक्शन दे दिया किसी घर में, ठीक है। अब मान लो कि बहुत हाई करंट आ जाएगा, हाई करंट आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इसका चेंज हो जाएगा, इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा, हीट के कारण, हीट के कारण क्या इंक्रीज करेगा, तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, थोड़ा सा क्या होगा, ये बेंड हो जाएगा, इसका जो यहाँ पे कनेक्शन रहेगा वो क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा। सर्किट ब्रेकर का काम यही है, कनेक्शन क्या करता है, ब्रेक कर जाता है। अब तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चीजें आ गए तो नहीं, पुराने जमाने में इस तरह से यूज करते थे कॉन्सेप्ट को, इस कॉन्सेप्ट को बायोमेटेरियल स्ट्रिप लगा के सर्किट ब्रेकर बनाया जाता था। अब इतना इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चीजें आ गया कि अब तो एमसीबी का यूज होता है, सब कुछ डिजिटल हो गया, अपने आप ही कट जाता है, ऑटो कट, ऑटो हाई, ठीक है। ये सब चीज का हम लोग यूज करते थे, जैसे कि ये सब है तो ट्रेन के पटरियों के बीच में जगह छोड़ दिया जाता था, देखे थे कभी, क्यों होता था इस तरह का, क्यों, क्योंकि गर्मी के टाइम पे जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो क्या करेगा, ये तो एक्सपेंड करेगा, उस केस में एज ब्रेक ना करे, टेढ़ा ना हो, इसलिए क्या करते थे, सबको छोड़ देते थे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, ठीक है। लिक्विड का कैसा एक्सपेंशन होगा, लेंथ में होगा कि वॉल्यूम में होगा कि एरिया में होगा, वॉल्यूम में होगा। लिक्विड रहेगा तो लिक्विड किसी न किसी कंटेनर में रहता है, ठीक है, मान लेते हैं ऐसा कुछ कंटेनर है जिसमें हमारा क्या है, लिक्विड है, ठीक है, जो वेसल है, कंटेनर है, मान लो कि यहाँ तक लिक्विड क्या है, फिलअप किया हुआ है, ठीक है, इनिशियल जो वॉल्यूम है इसका वी नॉट है। अब क्या किया, इसका हीट अप देना शुरू किया, ठीक है, हीट अप इसको करना शुरू किया, टी से इसका टेम्परेचर रेज कर दिया डेल्टा टी। जब टी से टेम्परेचर डेल्टा टी कर दोगे तो हीट कर रहे होगे, तो किसमें हीट कर रहे होगे, ऑब्वियसली मेटेलिक होगा कोई कंटेनर, कि लकड़ी के काट पे हीट कर दोगे पानी को, नहीं ना, मेटेलिक कंटेनर होगा तो क्या होगा, यहाँ पर दिक्कत क्या होता है कि जैसे आप इसका हीट करोगे तो लिक्विड का वॉल्यूम तो चेंज करेगा, लिक्विड का वॉल्यूम तो चेंज करेगा, साथ साथ क्या होगा, कंटेनर का भी वॉल्यूम चेंज करेगा, साथ साथ कंटेनर का भी वॉल्यूम चेंज करेगा। तो मान लो कि टेम्परेचर आपने डेल्टा टी चेंज किया है और यहाँ पे जो वॉल्यूम आया, ठीक है, आफ्टर हीटिंग आपको ये जो कॉलम था, ठीक है, इसको हीट करने पे ये जो कॉलम है यहाँ तक पहुंच गया, मान लो किसी टेम्परेचर के बाद ये जो वॉल्यूम है Vt पहुंच गया, तो Vt बेसिकली क्या हुआ होगा, अगर हम बोले कि Vt इक्वल टू जो इनिशियल वॉल्यूम था इसका V नॉट इनटू 1 + γ δt, तो सही बात होगा क्या, सही बात होगा क्या, होगा, क्यों होगा, तो क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाए तो इसमें तो गैप्स बढ़ गया तो वॉल्यूम तो बढ़ गया, लेकिन जब एक रियल वाला हुआ क्या, लिक्विड के इतना ही, एक लिक्विड क्या है,
वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ये जो वी नॉट है ये वॉल्यूम ऑफ क्या है, लिक्विड है, लिक्विड है। आप ये देखोगे तो ये बेसिकली क्या अपेरेंट है, ये अपने को दिख रहा है, लेकिन इसमें जो लिक्विड भरा हुआ है उसका वॉल्यूम चेंज VT माइनस V नॉट नहीं हुआ है, VT माइनस V नॉट वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है, वॉल्यूम चेंज इससे ज्यादा हुआ होगा। कैसे ज्यादा हुआ होगा कि जब आप हीट कर रहे होगे तो इस कंटेनर का भी तो वॉल्यूम बढ़ा होगा। हाँ, इस कंटेनर का भी वॉल्यूम बढ़ा होगा। सपोज दैट कि लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ा 10 सीसी बढ़ा, 10 ml बढ़ा, जैसे भी 10 ml बढ़ा मान लो किसका, रियल में आप मान लो कि 10 ml बढ़ा, ठीक है, एक्सपेंड हुआ, और साथ साथ क्या हुआ कंटेनर भी क्या कर गया 2 ml एक्सपेंड कर गया। कंटेनर का जो वॉल्यूम है, जिस कंटेनर में रखा हुआ है, वेसल में रखा हुआ है, उस वेसल का वॉल्यूम भी क्या हुआ 2 ml इंक्रीज कर गया। तो यहाँ जो वॉल्यूम राइज दिखेगा कितना दिखेगा आपको, 8 ml दिखेगा, 10 माइनस 2, यानी जो अपेरेंट आएगा जो आपको दिखेगा वो कितना दिखेगा 8 ml ही दिखेगा। इसको हम लोग बोलते हैं अपेरेंट राइज इन वॉल्यूम या अपेरेंट रेट चेंज इन वॉल्यूम। वो बेसिकली कितना होगा, कितना होगा बताओ तो, अगर रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड की बात करें हम लोग, एक्सपेंड रियल में कितना किया है, ठीक है, रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इक्वल टू कितना होगा, रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड मतलब वॉल्यूम ऑफ रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड कितना होगा, जो अपेरेंट दिख रहा वो प्लस जो वेसल एक्सपेंड कर गया। रियल में कितना हुआ होगा, 10 हुआ होगा ना, रियल में लिक्विड कितना हुआ है 10, लेकिन 10 कितना हुआ है, तो जो अपेरेंट दिख रहा है 8 हमको क्या दिख रहा है अपेरेंट, प्लस क्या होगा 2 प्लस जो वेसल हमको वॉल्यूम इंक्रीज किया है, ठीक है, जो दिख रहा है प्लस वॉल्यूम ऑफ इंक्रीज ऑफ वेसल ऐड कर देंगे तो वो क्या दिखेगा, ये रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। तो रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड जो होगा क्या होगा, तो इक्वल टू होगा अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, अपेरेंट मतलब जो अपने को दिख रहा है, प्लस में क्या हो जाएगा एक्सपेंशन ऑफ वेसल या फिर जो भी कंटेनर है, एक्सपेंशन ऑफ वेसल। अगर मान लेते हैं कि रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड जो लिक्विड है उसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अगर गामा रियल मान लेते हैं हम लोग, गामा रियल, ठीक है, ये गामा रियल क्या है बगल में लिख लेना, कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, ठीक है, गामा आर क्या है तो कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। तो गामा आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, अपेरेंट गामा अपेरेंट प्लस गामा वेसल, गामा वेसल होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, यस सर होगा। अरे बाकी तो सेम ही है ना, रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड सब पुट करोगे तो क्या जाएगा गामा अपेरेंट, तो ये गामा जो रियल है, गामा रियल इक्वल टू कितना जाएगा, गामा अपेरेंट प्लस गामा ऑफ वेसल, जहां पे सारा कुछ लिख लेना, गामा रियल क्या है तो रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड है, कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड है, गामा क्या है अपेरेंट है और एक क्या है तो रियल है, सब गामा है, ये हमारा हो गया वेसल, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड लिख ही देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड हो गया कोफिशिएंट ऑफ, आज मेडिकल का रिजल्ट आने वाला है जी, यस सर, अभी तक नहीं है, 4 बजे बोल तो रहे थे लोग, पहले तो बोलते 2:30 बजे आएगा, पता नहीं सुबह से आ रहा न्यूज़ में तो 4 बजे आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एफ अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ, 4 तो बज गया सर, हाँ तो अभी तो क्लास ले रहे थोड़ा दिख रहे हैं, ये क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वेसल, ठीक है,
अगर इस तरह से आपको कभी दिया रहेगा तो आप क्या करोगे, इस तरह से इसको निकाल लोगे, ठीक है। अपेरेंट हमेशा ध्यान रखोगे कि जो अपेरेंट होगा, अगर अपेरेंट लिखना होगा, अपेरेंट कितना दिखेगा, तो कोफिशिएंट ऑफ अपेरेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ रियल माइनस कोफिशिएंट ऑफ वेसल। रियल में जितना लिक्विड एक्सपेंड किया होगा और माइनस कर देंगे किससे, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वेसल से। तो आप डायरेक्टली अगर कोफिशिएंट पता चल गया तो आपको बोलूंगा आप निकाल सकते हो कितना अपेरेंट में चेंज हुआ, ठीक है, वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप इसको आराम से फटाफट इनको कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन हम बहुत ज्यादा नहीं करवा रहे हैं क्योंकि ज्यादा टाइम भी नहीं है, और ट्राई करना कि आप लोग कहीं से बुकलेट वुकलेट जहां भी क्वेश्चन होगा वहां से आप ट्राई कर लेना, ठीक है। सपोज दैट एक क्वेश्चन दे देता हूँ बस, मान लो इस तरह से बसल है, उसमें मर्क्यूरी भरा हुआ है, ठीक है, इसमें क्या है HG भरा हुआ है और इसका वॉल्यूम मान लेते हैं 1 लीटर है। इस वेसल का वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है, पूरा नेक टू नेक भरा हुआ है, ठीक है, इसका पूरा वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है, इसमें HG भरा हुआ है। आपको मान लेते हैं कि ये दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ HG इज इक्वल टू दे रखा है, मान लो कि 1.82 इंटू 10^-4 पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। और उस तरह से कोफिशिएंट ऑफ मान लेते हैं वेसल जो भी है उसको हम मान लेते हैं 0.1 इंटू 10^-4 पर डिग्री सेल्सियस, इसको हम लोग मानते हैं अल्फा, मानते हैं अल्फा ऑफ वेसल दे रखा है आपको 0.1 इंटू 10^-4 पर डिग्री सेल्सियस, इसका लीनियर कॉम्पोनेंट दे रखा है वेसल का, ठीक है, और HG का वॉल्यूम वाला दे रखा है, ठीक है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है। बोलता है कि इसको 0 डिग्री सेल्सियस से हीट करके 100 डिग्री सेल्सियस पे लाया गया, ठीक है, इसको आपने क्या किया, हीट किया और हीट करके इसको 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पे आपने इसको गर्म कर दिया। तो बोलो तो कितना लिक्विड जो है, चाहे कितना HG है, इससे बाहर आ जाएगा, ठीक है, कितना HG इसमें बाहर आ जाएगा, बताओ तो जरा। चेंज इन टेम्परेचर कितना है अपना, 100 है, तो फाइंड अमाउंट ऑफ मर्करी विल कम आउट या फिर स्प्लिट आउट, कितना जो मर्करी का अमाउंट है बाहर निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा सर, इसमें अपेरेंट होगा, निकाल रहे हैं सर, एक मिनट, एक लाइन का क्वेश्चन है। इसमें आप बस देख लो, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो अपेरेंट वॉल्यूम चेंज कितना होगा, जितना अपेरेंट वॉल्यूम चेंज होगा वो सब क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, जितना भी अपेरेंट चेंज होगा वो सब क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो गामा अपेरेंट इक्वल टू कितना जाएगा, तो गामा अपेरेंट इक्वल टू कितना होता है, इक्वल टू गामा अपेरेंट कितना होगा, जितना रियल होगा, गामा रियल माइनस गामा ऑफ वेसल, जितना रियल में इसको एक्सपेंड करना चाहिए था उसमें से हम लोग क्या करेंगे, वेसल का माइनस कर देंगे। ऐसे जनरल सोचो ना, मान लो कि रियल वाला गैस 10 ml हुआ, इसी एग्जांपल याद रख लो, रियल वाला गैस कितना एक्सपेंड किया, 10 ml किया, अब वेसल कितना कर गया, 2 ml कर गया, ठीक है, तो बाहर कितना आएगा, 10 - 2 अपेरेंटली कितना हुआ, 8 ही हुआ, तो गामा रियल माइनस गामा वेसल। अब यहाँ पे गामा वेसल ना देख के हमको क्या दिया हुआ, अल्फा दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ, लीनियर कोफिशिएंट ऑफ दिया हुआ था, ये लीनियर दिया हुआ था, ठीक है। तो जब लीनियर दिया हुआ था कैसे निकालेंगे, ये सब कुछ हमें ध्यान दे लेना, ठीक है, कभी कभी अल्फा दे देता है, हम लोग क्या करते हैं डायरेक्टली यूज कर देते हैं, नहीं करेंगे, कैसे करेंगे इसको यूज, तो जाएगा 1.82 माइनस 3 इंटू अल्फा। कल बताए थे अगर गामा निकालना हो और अल्फा दिया हो, आप कुछ डाटा और नहीं दिया हो, तो डायरेक्टली क्या करोगे, 3 times ऑफ अल्फा कर दोगे, तो गामा अगर वेसल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 times ऑफ अल्फा ऑफ वेसल, ठीक है, करिलेशन बताया था ना अल्फा बीटा गामा में, क्या आ जाएगा, 0.1
मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, 10^-4 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.3, इसको घटा दो तो कितना हो जाएगा 1.52 इंटू 10^-4 पर डिग्री सेल्सियस। तो जो अपेरेंट वॉल्यूम होगा कितना होगा चेंज, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाता है, वी नॉट इंटू अल्फा डेल्टा टी, अल्फा नहीं लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे गामा अपेरेंट इंटू डेल्टा टी। ठीक है, कितना वॉल्यूम चेंज होगा, तो चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू कितना होता है, वी नॉट इंटू गामा डेल्टा टी, निकालते थे ना, डेल्टा वी इक्वल टू कितना होगा, वी इंटू अल्फा डेल्टा टी, सॉरी गामा डेल्टा टी, उसी को बस यहाँ पे गामा की जगह पे गामा अपेरेंट यूज कर ले, क्योंकि गामा अपेरेंट हमने निकाल लिए हैं। ठीक है, तो वी नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो वी नॉट कितना था, 1 लीटर था। ठीक है, तो 1 लीटर मतलब कितना हो गया, 1 लीटर मल्टीप्लाई बाई गामा की वैल्यू पुट कर दो, 1.52 इंटू 10^-4 इंटू डेल्टा टी मल्ट कर दो 100, तो कितना आ जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, आ जाएगा 1.52 इंटू 10^-2 लीटर। ठीक है, अगर इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 15.2 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत, इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो आप अपेरेंट चेंज से निकाल लोगे। नेक्स्ट टॉपिक में हमारा आता है फॉल्टी मीटर्स, फॉल्टी स्केल, फटाफट देखते जाना, ज्यादा चीज नहीं बताएंगे इसमें। जैसे कि मान लो कि कोई एक स्केल है, उसको आपने किसी टेम्परेचर पे कैलिब्रेट कर रखा है। ठीक है, कोई मेटालिक स्केल है, ठीक है, आपने इसको किसी टेम्परेचर पे आपने इसका कैलिब्रेट कर रखा है कि मान लो 0 रीड करता है, मान लो 5 रीड करता है, 10 रीड करता है, 20 मीटर रीड करता है। आपने किसी एक स्ट्रिप का या फिर किसी अलग सा किसी का लेंथ आपने मेजर किया, वो लेंथ आया आपका 10, तो बेसिकली मान लो कि आपने टी टेम्परेचर इसको कैलिब्रेट किया है, और टी टेम्परेचर इसको आप क्या कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, इस केस में क्या आएगा, ये जो रीडिंग आएगा बेसिकली क्या आएगा, ट्रू रीडिंग आएगा। क्या रीडिंग आएगा, ट्रू रीडिंग आएगा। ठीक है, आर टी क्या है हमारा, तो ट्रू रीडिंग है। ठीक है, क्योंकि इसी टेम्परेचर पे हमने क्या कहते हैं इसको कैलिब्रेट किया था। ठीक है, अब मान लो कि टेम्परेचर चेंज हो गया, टेम्परेचर क्या हो गया, चेंज हो गया और इंक्रीज कर गया टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा तो क्या आएगा, अगर मेटालिक स्ट्रिप्स है, मेटालिक का स्केल है, तो क्या करेगा, एक्सपेंड कर जाएगा। ठीक है, तो आपका रीडिंग अब 0 यहाँ आ जाएगा, 5 रीडिंग यहाँ आ जाएगा, 10 रीडिंग यहाँ आ जाएगा, और 20 रीडिंग क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इसी लेंथ को अगर आप मेजर करते हो, मान लो कि इसका लेंथ है एल नॉट, जिसकी वैल्यू कितना है, तो ट्रू वैल्यू कितना आ जाएगा, एल नॉट के बराबर। अगर इसी लेंथ एल नॉट को अगर यहाँ पे आप मेजर करते हो, इसका जो रीडिंग आएगा स्केल का, अब क्या आएगा, 10 से कम आएगा नहीं आएगा, रीडिंग जो आएगा, रीडिंग ऑफ स्केल की बात करेंगे हम लोग, रीडिंग ऑफ स्केल कितना जाएगा, यहां से लेके यहां तक रीड करेगा, ये कुछ है मान लो कि 8 मेजर करता है, या फिर 7 मेजर करता है, या फिर 9 मेजर करता है। ठीक है, ये अगर स्केल क्या हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए, स्केल क्या हो गया, एलोंगेट हो गया, अब इस लेंथ को जो पहले क्या था, एल नॉट था। ठीक है, मान लो कि एल नॉट इक्वल टू 10 मीटर था, ठीक है, 10 सेंटीमीटर था जो भी था, उस 10 सेंटीमीटर को अब क्या करेगा, ये कम रीड करेगा कि नहीं करेगा, कम रीड करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो इसका जो एक्चुअल, मान लो कि फॉल्टी स्केल से किसी ने मेजर किया, ठीक है, मान लो कि टी प्लस डेल्टा टी टेम्परेचर हो गया इसका, स्मॉल ही ले लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं हो गया टाइम पीरियड के साथ, अगर टाइम पीरियड ही पढ़ाना है। मान लो कि टी टेम्परेचर से आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दे डेल्टा टी से, डेल्टा टी पे अगर इस स्केल का आपने मेजरमेंट कर रहे हो इस स्केल से, तो इसका जो एक्चुअल लेंथ होगा वो मेजर कर पाएगा क्या, वो लेंथ मेजर नहीं कर पाएगा, क्या करेगा, उससे कम मेजर करेगा, क्योंकि जो स्केल है खुद क्या हो गया है, इलोंगेट हो गया है। ठीक है, ये हो सकता है कि यहाँ पे 8 मीटर 7 मीटर स्केल पे रीडिंग हो सकता है कि 8 मीटर आए, अगर मान लो 8 है तो 8 है, तो एक्चुअल रीडिंग क्या पता चलेगा, कैसे निकलेंगे। ठीक है, एक्चुअल रीडिंग, एक्चुअल रीडिंग कैसे पता चलेगा, ट्रू रीडिंग इक्वल टू क्या होगा, तो बेसिकली क्या हुआ, ये जो 10 था,
ठीक है, ये जो 10 था, ये जो ट्रू रीडिंग था, इसी में एक्सपेंशन हुआ होगा ना, यह पॉइंट क्या होगा, एक्सपेंड होके यहाँ पहुंच गया होगा। पहले ट्रू वाला पॉइंट कहाँ था, यहाँ पे था, वो एक्सपेंड कर गया यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर रेज करने से। ये जो 10 वाला पॉइंट था कहाँ था, यहाँ था, वो एक्सपेंड कर गया यहाँ से, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या था, ट्रू वैल्यू था, ट्रू रीडिंग था, वो ट्रू रीडिंग क्या कर गया, एक्सपेंड कर गया यहाँ तक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अगर हम लोग ट्रू रीडिंग की बात करें, ठीक है, तो क्या होगा, जो स्केल रीडिंग है आर एस इंटू, अगर आप देखोगे तो ट्रू रीडिंग कहाँ से कहाँ तक आना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए, यहाँ से यहाँ यहाँ तक आना चाहिए ट्रू रीडिंग। तो ट्रू रीडिंग कैसे आएगा, तो स्केल रीडिंग, स्केल रीडिंग इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, क्योंकि ये जो स्केल रीडिंग है यही क्या किया है, यहाँ तक स्पेंड किया है। आर टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर टी इक्वल टू आर एस इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, होगा कि नहीं होगा, सर जहां ये पे स्केल मेटल का ही होना चाहिए। मेटल का होगा तभी ना, अगर लकड़ी का ले लोगे तो कहाँ एक्सपेंड करेगा। ठीक है, मेटेलिक स्ट्रिप से, मेटेलिक स्केल है, ठीक है, तब ये कहते हैं कई बार फॉल्ट फॉल्ट स्केल हो जाता है, स्केल के समझे मेटेलिक होना चाहिए, नहीं तो एक्सपेंशन का है देखेंगे हम लोग, उसमें भी होता है लेकिन बहुत कम होता है, उसमें एरर उसमें कंसीडर करके नहीं चलते हम लोग। आरटी क्या होगा, ये होगा ट्रू रीडिंग। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेंगे आपसे, तो आप ये सब चीजें यूज करके फटाफट आप सॉल्व कर लेना। आरएस क्या होगा, स्केल रीडिंग, ठीक है, जो भी स्केल रीड कर रहा है, ये बात समझ में आया, उल्टा मत कर देना इधर से उधर, यस सर, ठीक है। जो ट्रू रीडिंग होगा बेसिकली कितना होगा, तो ट्रू रीडिंग इज इक्वल टू इसी पॉइंट को एक्सपेंड करके आना था ना, तो आर स्केल रीडिंग इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो कहीं इस तरह का फॉल्टी स्केल वाला क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से ट्रू रीडिंग आप निकाल सकते हो। इसी में एप्लीकेशन में एक नया सा थोड़ा सा थर्मल स्ट्रेस, बहुत सारा कुछ है थर्मल स्ट्रेस। मान लो कि इसके बीच में एक लेंथ है, मेटालिक रॉड रखा हुआ है जिसका लेंथ है मान लो कि एल, ठीक है, टेम्परेचर टी पे, आप इसका टेम्परेचर क्या किया आपने, राइज कर दिया, टेम्परेचर क्या किया आपने, रेज कर दिया। टेम्परेचर रेज करोगे तो क्या होगा, ये इधर की ओर एक्सपेंड करना चाहेगा, इधर की ओर एक्सपेंड करना चाहेगा, इसमें क्या आएगा, एक इसमें एक स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा स्ट्रेस। मान लो कि ये दोनों दीवार क्या है, फिक्स है, इसके कारण क्या जाएगा, एक स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। ठीक है, वो स्ट्रेस कितना होगा, कैसे निकालेंगे, ठीक है, कुछ नहीं, आपको पता है एक रिलेशन क्या होता है, यंग मॉडुलस इक्वल टू क्या होता है, F into स्ट्रेस स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन। ठीक है, अगर स्ट्रेस निकालना हो कि स्ट्रेस कितना जनरेट हुआ, स्ट्रेस इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर्स बाय एरिया। अरे स्ट्रेस इक्वल टू यहां से दो ना, यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन हो जाएगा, यंग मॉडुलस इनटू, ये वाई क्या है, यंग मॉडुलस है, सब लिखते जाना अपना खुद से, वाई इक्वल टू क्या है, यंग मॉडुलस लिख ही देते हैं। मैं सोच रहा था कि कुछ तो आज खत्म हो जाए, एक क्लास और लगेगा ऐसे, तो स्ट्रेस इक्वल टू यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, और स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन चेंज इन डायमेंशन बाय टोटल डायमेंशन, मतलब अगर ये कैसा है, वन डायमेंशनल है लेंथ है इसमें, तो स्ट्रेन क्या आ जाएगा, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ, तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ कितना होता है, अल्फा डेल्टा टी के बराबर। यस सर, अगर आपने टेम्परेचर डेल्टा टी से रेज किया है, इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अगर अल्फा है तो कितना हो जाएगा, अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, यहां से अगर स्ट्रेन की बात करेंगे तो स्ट्रेन कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू डेल्टा टी। अगर हम लोग स्ट्रेस की बात करेंगे, थर्मल स्ट्रेस कितना होगा, ठीक है, थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस इक्वल टू कितना हो जाएगा, यंग मॉडुलस बाई इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। अगर किसी में कहीं पे थर्मल स्ट्रेस निकालना हो तो आप क्या करोगे, यंग मॉडुलस इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। कभी कभी पूछ ले कि मान लो कि ऐसा एक रॉड है, ठीक है, जिसका लेंथ है एल नॉट,
इसका टेम्परेचर है टी, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर सस्पेंशन है क्या एल, और सरफेस पे रखा हुआ है, इसको हीट कर दिए, इसे हीट करने पे कितना स्ट्रेन डेवलप होगा या फिर कितना स्ट्रेस डेवलप होगा, तो कितना होगा स्ट्रेस डेवलप, स्ट्रेस यंग्स मॉड्यूलस इनटू अल्फा डेल्टा टी, नहीं सर एक मिनट, स्ट्रेस जीरो होगा ना, स्ट्रेस डेवलप कब होता है, जब इस एंड और इस एंड को क्या करो होल्ड करके रखो तब ना, दोनों तरफ से फोर्स लगाओगे तब ना, स्ट्रेस क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला क्या है स्ट्रेस का, फोर्स बाय एरिया, अगर ये फ्री रखा हुआ है तो एक्सपेंड कर जाएगा, कोई फोर्स लगेगा क्या, नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे फोर्स लगा रहा था ना, क्यों इसको एक्सपेंड करना चाह रहा था लेकिन इसको एक्सपेंड करने नहीं दिया जा रहा था, तो क्या हुआ था, फोर्स अप्लाई कर रहा था, इसलिए क्या हुआ, इसमें स्ट्रेन डेवलप हुआ, इसमें कोई स्ट्रेन डेवलप नहीं होगा, अगर फ्री रखा हुआ है तो कोई भी स्ट्रेन डेवलप नहीं होगा, ठीक है, अगर इसी तरह से फ्री रखा हुआ है तो कोई भी स्ट्रेन डेवलप नहीं होगा, ये सब चीज ध्यान में रखोगे, बेसिक फॉर्मूला को कभी नहीं भूलोगे, डेफिनेशन को मत भूलोगे, ठीक है, नहीं तो हो जाएगा गड़बड़, ठीक है, बिल्कुल याद रखना है सब चीजें, नेक्स्ट टॉपिक है, कितना टाइम हो गया, टाइम बचा हुआ है ना अभी, यस सर, कितना बचा हुआ बताओ, अभी आधा घंटा लगभग बचा है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हमको लग रहा था कि हो गया, अच्छा ही पढ़ा दिया तेज, फास्ट फास्ट, नेक्स्ट है टॉपिक हमारा चेंज इन टाइम पीरियड, चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, सारे टॉपिक पे एक दो क्वेश्चन जरूर कर लेना, सारे टॉपिक पे बिल्कुल कर लेना, स्ट्रेस पे कर लेना, स्ट्रेन पे कर लेना, कम से कम एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट एक दो क्वेश्चन हम जरूर कर लेना, क्योंकि हम नहीं करवा रहे क्योंकि पुट द फॉर्मूला गेट द रिजल्ट है सारा आंसर, ऐसा नहीं है कि मतलब, लेकिन जब तुम करोगे क्योंकि तुम्हारे लिए तभी दिमाग में तुम्हारा बैठा रहेगा कि हाँ इस तरह की चीजें पढ़े हैं, और कहीं पे एग्जाम में आएगा तो करोगे, तो एटलीस्ट एक दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन सब पे ट्राई करना, ठीक है, बुकलेट में भी होगा हर जगह पे होगा, नहीं करोगे तो या जो बुक पढ़ रहे हो उससे उसमें करना ट्राई, ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी होते हैं, अगर नहीं होगा तो हम किसी एक दिन क्वेश्चन डिस्कस कर दिया करेंगे, लेकिन पहले पढ़ लो, चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड क्या होता है पेंडुलम का, 2 पाई अंडर रूट एल नॉट बाय जी, ठीक है, अब मान लो कि इस पेंडुलम का जो इस तरह का मेटालिक स्ट्रिप का बना हुआ पेंडुलम, ठीक है, मेटालिक स्ट्रिप का बना हुआ पेंडुलम है, ठीक है, इसका लेंथ है एल नॉट, टेम्परेचर है टी, अगर मान लो कि इसका टेम्परेचर चेंज करके टी प्लस डेल्टा टी कर दिए, टी प्लस डेल्टा टी आपने कर दिया, तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ एल नॉट से चेंज हो जाएगा, कितना एल नॉट प्लस डेल्टा एल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, अगर लेंथ चेंज हो जाएगा तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अगर बताओ टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर दिया तो टाइम पीरियड बढ़ेगा घटेगा, अगर मान लो टेम्परेचर आपने क्या किया है, किसी टेम्परेचर पे इसको बनाया होगा पेंडुलम को, ठीक है, अगर आपने टेम्परेचर क्या किया इंक्रीज कर दिया, स्मॉल से लिख लेते हैं, टी क्या हमारा टेम्परेचर है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या करेगा आपको, एल नॉट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, एल लिख लेते सिंपली, लेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, लेंथ इंक्रीज होगा तो क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्यों एल नॉट ऊपर है ना, अगर ये लेंथ इंक्रीज कर जाएगा तो टाइम पीरियड क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, टाइम पीरियड अगर इंक्रीज कर जाएगा इसका मतलब क्या हुआ, घड़ी फास्ट हो गई कि स्लो हो गई, टाइम पीरियड इंक्रीज कर गया इसका मतलब क्या हो गया, अब एक सेकंड के जगह पे दो सेकंड ले रहा है तो क्या हो गया, स्लो हो गया ना, क्लॉक क्या कर गया, स्लो हो गया, बताओ, सेम उल्टा हो जाएगा, अगर टेम्परेचर आप डिक्रीज करते हो तो लेंथ क्या करेगा, लेंथ आपका कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, लेंथ क्या होगा आपका डिक्रीज कर जाएगा,
डिक्रीज कर देगा टाइम पीरियड, क्या करेगा आपका डिक्रीज कर देगा टाइम पीरियड, डिक्रीज करने का मतलब क्या हो जाएगा, घड़ी फास्ट हो जाएगा, क्लॉक क्या हो जाएगा फास्ट हो जाएगा। टाइम पीरियड अगर डिक्रीज करता है इसका मतलब क्या होता है, क्लॉक फास्ट होता है। टाइम पीरियड अगर इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब क्लॉक क्या हो रहा होगा, स्लो डाउन हो रहा होगा। ये बात समझ में आ रही है ना, कहने का मतलब क्या होगा, अगर क्लॉक 1 सेकंड लेता था पहले पेंडुलम को आगे नीचे जाने में 1 सेकंड लेता था, अब 2 सेकंड ले रहा है तो 2 सेकंड को मेजर कर रहा है ना, 2 सेकंड को कितना मेजर कर रहा है, 1 सेकंड मेजर कर रहा है, 2 सेकंड को अब क्या मेजर कर रहा है वो, 1 सेकंड मेजर कर रहा है, टाइम पीरियड बढ़ गया। तो बेसिकली वो 1 सेकंड कब मेजर करता है, जब क्लॉक आगे पीछे हो जाता है, ठीक है, एक मतलब ये जो पेंडुलम है आगे पीछे जाता है तो वो मेजर करता है 1 सेकंड, ठीक है, अगर टाइम पीरियड इसका 1 सेकंड है तो। अब ये क्या हो गया, बढ़ के 2 सेकंड हो गया है, अब 2 सेकंड को घड़ी क्या करेगा, मेजर करेगा 1 सेकंड, यानी आपको 2 घंटा को घड़ी में आपका 1 ही घंटा होगा, जब आप दूसरे घड़ी में देखोगे तो 2 घंटा हो गया, लेकिन आपका जो घड़ी खराब है जिसका टेम्परेचर बढ़ा दिया हो उसमें 1 ही घंटा ऑल रहेगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड बढ़ने से घड़ी क्या होता है, स्लो डाउन होता है। कैसे निकालेंगे कितना चेंजेस होगा, तो बताओ, तो अगर टेम्परेचर आप चेंज कर रहे हो तो जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा, जो न्यू लेंथ हो जाएगा कितना हो जाएगा, एल इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी। टी क्या है, डेल्टा टी, अल्फा इंटू डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा टी, ठीक है। तो यहां से बताओ टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, तो टाइम पीरियड इक्वल टू हो जाएगा जो न्यू टाइम पीरियड होगा, टी डैश इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट, जितना लेंथ हो गया है, एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी डिवाइड बाई जी। जी में तो कोई चेंज नहीं आएगा ना, 2 पाई और जी में तो कोई चेंज नहीं आएगा, कांस्टेंट है कि टेम्परेचर बढ़ाने से अर्थ का ग्रेविटेशन फील्ड भी कमजोर हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना, जी क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। तो यहाँ से कॉमन ले लो तो जरा 2 पाई अंडर रूट एल नॉट बाई जी को मैंने बाहर निकाल लिया और बच क्या गया हमारा, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी रेज टू पावर 1 बाई 2, ठीक है। ये तो पूरा क्या था, 2 पाई अंडर रूट एल नॉट बाई जी कितना हो गया हमारा, जो टाइम पीरियड था ओरिजिनल वाला, टी नॉट मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं टी नॉट, ये क्या आ जाएगा हमारा टी नॉट के बराबर, यानी जब सही वाला जो टाइम पीरियड है, ये क्या आ जाएगा, टी नॉट इंटू 1 प्लस डेल्टा टी रेज टू पावर हाफ, डेल्टा टी रेज टू पावर हाफ, ये क्या आ गया, नया टाइम पीरियड आ गया टी डैश इक्वल टू। अगर आपसे पूछे कि परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड कितना होगा, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड, ठीक है, तो परसेंटेज चेंज टाइम पीरियड कितना होगा, तो टी डैश माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाई टी नॉट, तो कितना हो जाएगा, ये देखो तो ये हो गया टी डैश, इधर से लाओगे माइनस टी नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा का छोड़ दिए, अल्फा डेल्टा टी का रेस्ट पावर 1 बाई 2। यहां से क्या आ जाएगा, टी डैश माइनस टी नॉट डिवाइड बाई टी कर दो कितना आ जाएगा, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी रेस्ट टू पावर 1 बाई 2, ठीक है। तो अगर परसेंटेज चेंज निकालना है, ये फ्रैक्शनल चेंज हो जाएगा, परसेंटेज चेंज निकालना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो परसेंटेज आ जाएगा, नहीं तो फ्रैक्शनल चेंज रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगेन क्या कर सकते हैं, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा दोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस हाफ इंटू अल्फा डेल्टा टी इंटू 100, ठीक है, ये क्या आ गया, परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड, परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। जैसे मान लो क्वेश्चन रहे कि एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, जिसको हमने 10 डिग्री सेल्सियस पे कैलिब्रेट किया था, अब टेम्परेचर बढ़ के कितना हो गया, 10 से 20 हो गया, ठीक है, अब टेम्परेचर कितना हो गया, 20 डिग्री
सेल्सियस हो गया, तो बताओ तो कितना चेंज इन परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम पीरियड पूछे कितना होगा, ठीक है। अल्फा दे रहेगा इसका, अल्फा ऑफ जो भी रॉड है, सिंपल पेंडुलम का जो रॉड है उसका दे रखा है मान लो कि 2 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। बोले कि फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम पीरियड, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड में कितना इंक्रीज होगा। तो परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम पीरियड कितना होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, परसेंटेज चेंज इन डेल्टा टी वाई, डेल्टा टी वाई टी इंटू 100 आ जाएगा, परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम पीरियड। ऑब्वियस है टेम्परेचर बढ़ा है तो टाइम पीरियड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 1 + 1/2 × α/δt। बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगा दिया हम लोग, हो कि गायब हो गए जी सब, है चंदन, हेलो आवाज को जा रहा है मेरा, हेलो हेलो, ये सर आ रहा है तो बोल नहीं रहे कुछ भी। आदित्य गौतम, मैं बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ। आदित्य गौतम, तो बीच में बोलता कहीं नहीं है जी कुछ भी, एक गलत किया तो बताना चाहिए ना। टीडीएस इज इक्वल टू क्या जाएगा, टी नॉट इंटू 1 + α/δt। तो यहां से देखोगे तो क्या जाएगा, टीडीएस माइनस टी नॉट इज इक्वल टू कितना जाएगा, टी नॉट इंटू 1/2 × α/δt। यहां से देखोगे तो कितना जाएगा, टी डैश माइनस टी नॉट डिवाइड बाई टी नॉट करोगे कितना जाएगा, सिंपल अगेन गलती लिख दिया, यहां से आ जाएगा 1/2 × α/δt मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। यह आ जाएगा आपका 1/2 × α × δt × 100। परसेंटेज में लिखना हो तो, अगर फ्रैक्शन लिखना होगा तो सिंपल आ जाएगा 1/2 α/δt। अगर यहाँ पे टाइम पीरियड निकालना हो 10 डिग्री सेल्सियस से, अगर 20 डिग्री सेल्सियस चेंज हो गया टेम्परेचर, तो ऑब्वियस है लेंथ इंक्रीज किया होगा, लेंथ इंक्रीज किया होगा तो टाइम पीरियड इंक्रीज किया होगा। निकालना कितना है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम पीरियड, तो परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम पीरियड कितना होगा, डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिंपल 1/2 × α × δt। डेल्टा टी कितना हो जाएगा, तो जाएगा 20 - 10, ठीक है। तो 1/2 × α की वैल्यू कितना दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है 2 × 10⁻⁶ × 10, तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बस कितना जाएगा 10⁵, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना, परसेंटेज आ जाएगा। तो सिंपल इधर डायरेक्टली देते हैं कितना आ जाएगा, 10⁻³ ना, 2 × 3 × 10⁻³%, ठीक है। इतना क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड में इंक्रीज हो जाएगा। ये हो गया आपका थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे चीजें हमने पढ़ा दिया है, ठीक है। हाँ ना, कुछ तो बोल लो। अरे बोलोगे तो बोलो, नहीं तो क्लास बंद कर देंगे। ऐसे पढ़ाते रहे क्या, कनेक्शन है नहीं है, नेटवर्क आ रहा है नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ तो बोलो। माइक अनम्यूट करो दोनों, आवाज जा रहा जी मेरा। यस सर। तो बोलते क्यों नहीं हो, माइक अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, थोड़ा बात करेंगे। कब से बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ।
माइक अनम्यूट करके रखो तो क्या कुछ समझ में आया? यस सर। क्या क्या हम लोग तो पूरा अभी क्या है अनम्यूट ही रखो यार, मतलब बिल्कुल अजीब सा फील होने लगता है। दो तीन बच्चे रहते हो तुम लोग भी शांत होकर बैठ जाते हो। गौतम ऐसा लगता है आवाज जा रहा नहीं जा रहा, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, एक्स्ट्रा क्लास लगवा भी लेते हो। ठीक है, इस तरह से आपका पूरा एक्सपेंशन का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा कैलोरीमेट्री, बोलते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम लोग दो तीन चीज पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ते बताओ। पहले हम लोग पढ़ते हैं थर्मोमेट्री के बारे में, फिर हम लोग एक्सपेंशन के बारे में, और फिर हम लोग पढ़ते हैं कैलोरीमेट्री के बारे में। ठीक है, कैलोरीमेट्री के बारे में तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसी में कैलोरीमेट्री। टाइम बचा है, टाइम बचा है, कितना टाइम हो गया सर, कब तक चलता है क्लास? 4:50। ठीक है, ये बहुत टाइम है। क्लोरीमेट्री, क्लोरीमेट्री में अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे, थर्मोमेट्री में हम लोग क्या कर रहे थे, बेसिकली टेम्परेचर को हम लोग मेजर कर रहे थे। ठीक है, कैसे कैसे टेम्परेचर हम लोग मेजर करेंगे देखे हम लोग, एक्सपेंशन में देखे कैसे कैसे एक्सपेंड कर रहा था। क्लोरीमेट्री में क्या करेंगे हम लोग, क्लोरीमेट्री में क्या करते हैं हम लोग, हीट का ट्रांसफर देखते हैं, एक्सचेंज देखते हैं। ठीक है, कैलोरीमेट्रिक क्या होता है, एक डिवाइस होता है जिसमें मान लो कि इसमें आइस रख दिया। ठीक है, सपोज दैट इसमें मान लेते हैं कि आपने क्या किया, 10 ग्राम आइस रख दिया। ठीक है, इसमें क्या है, आइस है 10 ग्राम, इसके ऊपर क्या किए, या ऊपर से मान लो कि 10 ग्राम वाटर आपने ऐड कर दिया। ठीक है, सपोज दैट ये हमारा क्या है, वाटर है, 10 ग्राम हमने वाटर भी इसमें क्या किया, ऐड कर दिया। ठीक है, तो जब 10 ग्राम वाटर ऐड कर देंगे तो क्या होगा, तो 10 ग्राम जो वाटर है मान लो कि ये हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे था, ये हमारा मान लेते हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस पे है, सपोज दैट। जब इसको इसके साथ ऐड करोगे तो क्या होगा, ये हायर टेम्परेचर पे है, ये क्या है, लोअर टेम्परेचर पे है, तो क्या करेगा, हीट का ट्रांसफर होगा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ, यानी ये हायर टेम्परेचर पे है, यहाँ से हीट निकल के आइस पे जाना शुरू करेगा। ठीक है, आइस पे जाना शुरू करेगा तो क्या करेगा, आइस का टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, आइस का टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। पहले क्या करेगा, जितना भी हीट रहेगा पहले आइस को क्या करेगा, मेल्ट करेगा। अगर सारा आइस अगर मेल्ट हो जाता है उसके बाद क्या करेगा, आइस को हीट करेगा। ठीक है, यानी मेल्ट करने के बाद पहले वाटर बना देगा, फिर वाटर का अगर फिर भी इसका टेम्परेचर अगर जीरो नहीं हुआ है तो क्या करेगा, और हीट इसको देगा, और फिर वाटर का टेम्परेचर जीरो से इंक्रीज करना शुरू करेगा, उसके बाद एक कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम पहुंच जाएगा। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी मटेरियल को आप अगर हीट देते हो, ठीक है, किसी भी ब्लॉक को, किसी भी मटेरियल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप हीट देते हो, ठीक है, सपोज दैट आपने क्या किया, क्यू अमाउंट ऑफ हीट इसको क्या किया, सप्लाई किया, इसका मास मान लो कि एम है। ठीक है, मान लो कि टेम्परेचर क्या है, टी है, तो क्या होता है, ये हीट लेके क्या करता है, हीट इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, और क्या होता है, इसका टेम्परेचर क्या करता है, राइज करता है, इसका टेम्परेचर क्या करता है, राइज करता है, टी से डेल्टा टी हो जाएगा। ये जो टेम्परेचर राइज हुआ, ये कितना हीट सप्लाई करेंगे तो कितना टेम्परेचर राइज होगा, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, तो आप देखोगे तो हीट सप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, एंड साथ ही साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। होगा कि नहीं होगा, अगर मान लो कि 1 kg का मास है, ठीक है, उसको जितना टेम्परेचर चेंज करना हो, 5 kg के मास को भी सेम हीट की जरूरत पड़ेगी क्या, ज्यादा पड़ेगी, ऑब्वियसली ज्यादा पड़ेगी, जितना ज्यादा मास बढ़ते जाएगा उतना ज्यादा हीट रिक्वायरमेंट होगा अगर आपको सेम टेम्परेचर चेंज करना हो तो। उसी तरह से अगर मान लो कि मास कांस्टेंट रखते हो
ठीक है, मास अगर वेरी नहीं कर रहा है, सेम मास के ऑब्जेक्ट को अगर 10 डिग्री से चेंज करना हो और फिर आपको 50 डिग्री से चेंज करना हो, तो ऑब्वियस है 50 डिग्री से चेंज करने में ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी। तो जो हीट सप्लाई है ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर और साथ ही साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इसको अगर हम लोग हटा के लिखते हैं तो की इक्वल टू कॉन्स्टेंट यूज करते हैं हम लोग, सी इंटू एम इंटू डेल्टा टी, क्यू इक्वल टू सी इंटू एम इंटू डेल्टा टी। ये जो सी है यहाँ पे, इस सी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये जो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बहुत ज्यादा सर दर्द देने लग गया पता नहीं, ठीक है। Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम सी डेल्टा टी, ठीक है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो अगर यहां से C लिखोगे तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा तुम लोग भी बोलते रहो, हाँ ना, बहुत ज्यादा सर दर्द देने लग गया। C इक्वल टू अगर डिफाइन करोगे तो क्या आ जाएगा, C इक्वल टू Q बाई एम डेल्टा टी, एम डेल्टा टी, ठीक है। अगर इसको डिफाइन करना होगा तो क्या होगा, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वन यूनिट मास, सॉरी मतलब कि कहने का मतलब क्या हुआ, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय यूनिट ऑफ यूनिट मास। कहने का मतलब समझो क्या बोल रहा हूँ मैं, दिमाग काम करना बंद कर दिया, मतलब कि कितना अमाउंट ऑफ हीट आपको रिक्वायर्ड होगा वन यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करने के लिए। इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग, स्पेसिफिक हीट को कैसे डिफाइन करेंगे, द अमाउंट ऑफ, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर of unit mass by 1 degree celsius या kelvin जो लिख लो, क्योंकि change तो celsius या kelvin दोनों क्या होता है, same होता है by 1 kelvin या फिर 1 degree celsius, ठीक है सर। ये तो latent heat of fusion भी होती इसी तरह होता है ना, per unit mass होता है क्या, और latent heat of fusion में temperature raise होता है क्या, temperature raise नहीं होता लेकिन बस state change हो जाता है, स्टेट चेंज होता है ना बस, तो अलग अलग हुआ ना दोनों चीज। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर रेज हो रहा है, कितना रेज हो रहा है, तो 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन टेम्परेचर रेज करने के लिए यूनिट मास का जितना हीट रिक्वायर्ड होगा वो क्या होगा, हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा, ठीक है। अगर किसी मटेरियल का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, तो कितना टेम्परेचर, मान लो कि 5 डिग्री टेम्परेचर रेज करने के लिए कितना हीट रिक्वायर्ड होगा, तो क्या होगा, Q इक्वल टू एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी जो कि 5 है, ठीक है। तो हमने यहाँ से इसको डिफाइन किया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाई 1 केल्विन या फिर 1 डिग्री सेल्सियस। 10 में समझ जाना जी, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस। इसका अगर यूनिट देखोगे तो यूनिट क्या आएगा, यूनिट क्या होगा बताओ, जूल पर कूलम्ब हो सकता है। हीट क्या होता है, हीट क्या होता है, एनर्जी, एनर्जी जूल, ठीक, एनर्जी का यूनिट क्या हो जाएगा, जूल, और मास क्या है, तो मास हो जाएगा केजी, केजी, और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, केल्विन, केल्विन, ठीक है। इसको जूल केजी पर केल्विन, ये हो गया एसआई यूनिट हो गया, नहीं तो हम लोग सीजीएस में इसको हम लोग लिखते हैं कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस है केल्विन, डिग्री सेल्सियस लिखो, केल्विन लिखो, क्योंकि मतलब पर यूनिट चेंज को डिफाइन करता है तो फर्क नहीं पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। ये क्या होता है, चेंज को डिफाइन कर रहा ना, डेल्टा टी का यूनिट है, डेल्टा टी का यूनिट आप डिग्री सेल्सियस में लिख लो या फिर केल्विन में लिख लो, टी का यूनिट थोड़ा लिख रहा है, डेल्टा टी का लिख रहा है, डेल्टा टी कुछ भी हो जाए उसमें हम लोग को फर्क
नहीं पड़ेगा, जीरो से अगर 10 जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस जाया फिर 273 केल्विन से लेकर 283 केल्विन जाए, उससे कोई फर्क हमको नहीं पड़ेगा, चेंज क्या रहेगा हमेशा सेम रहेगा। तो डिग्री सेल्सियस लिख लो या केल्विन लिख लो, उससे कोई फर्क हमको नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप एक डाटा देख लिखता हूँ यहाँ पे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना होता है याद रख लेना, काम आएगा, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, या फिर एसआई में बात करेंगे तो जाएगा 4200 जूल। हाँ सर, छोड़ना होगा तो बिल्कुल बोल देना, मैं हम बिल्कुल छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि मेरा भी कुछ ज्यादा मन नहीं कर रहा। स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ आइस इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस डाटा है, या फिर अगर एसआई में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, इसका आधा 2100 जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकेशन का होगा, वाटर और आइस अपना याद रखना, ऐसे डाटा में दिया रहेगा, नहीं दिया होगा तो आप इसको याद करके रखोगे। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहेंगे हम लोग तो कैसे लिखेंगे, डिफरेंशियल फॉर्म क्या होगा इस क्वेश्चन का, डिफरेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो डेल क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एम सी डेल्टा टी, एम सी डेल्टा टी। ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म कब क्यों लिखते हैं, मान लो कि कई बार आपको सी एज ए फंक्शन ऑफ डिजर्ट टेम्परेचर, ठीक है, सी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दे दे, ठीक है, उस केस में मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आपको फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दे दे, आप डिफरेंशियल फॉर्म यूज करोगे ना कि यूज करोगे। यहाँ से अगर टोटल हीट कैपेसिटी निकालना हो, सॉरी टोटल हीट निकालना हो, क्यू इक्वल टू तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा एम सी डेल्टा टी का इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ पे टी नॉट से टी, जहाँ तक भी टेम्परेचर जाता हो, ठीक है, क्यू इक्वल टू इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगर मान लो कि कहीं पे आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कॉन्स्टेंट ना दे के आपको वेरिएबल दे दिया, ठीक है, कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, जैसे मान लो कि क्वेश्चन दे देता हूँ, सपोज दैट कि C इज इक्वल टू इस तरह से दे दे कि 3T² + T × 10⁻³ - 3 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, एग्जांपल मान लेते, एग्जांपल दिया हुआ है C इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, अब बोले कि मास दिया हुआ आपका, मान लो कि मास ऑब्जेक्ट का दे रखा है 1 kg, ठीक है, बोले कि इसका टेम्परेचर रेज हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस, पूछता है कि फाइंड अमाउंट ऑफ हीट, फाइंड अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी किसी ब्लॉक है, कोई भी मास है जिसका मास 1 kg दे रखा है, इसका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है टेम्परेचर के साथ इस तरह से वेरी कर रहा है, तो पूछ रहा है कितना हीट रिक्वायर्ड होगा टू रेज द टेम्परेचर फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस। तो Q इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एम सी डेल्टा टी, डेल्टा टी जहाँ टी कहाँ से कहाँ वेरी कर देंगे हम लोग, तो 10 से कहाँ वेरी कर देंगे, 10 से 20 वेरी करते हैं, वेरी गुड। ठीक है, मास दे रखा 1 और आपका सी की वैल्यू दे रखा है आपका, अब तो सिंपल सा इंटीग्रेशन बन गया, सॉल्व कर लेना यार। ठीक है, 10⁻³ डेल्टा टी, होशियार बच्चों तुम लोग, सीरियस बच्चों, छोड़ देते हैं, कर लेना। ठीक है, इसको सिंपली इंटीग्रेट कर दोगे, वैल्यू पुट कर दोगे, ऐसा आता है ना, यस सर आता है, 80 होगा ना, अब गलत सलत बहुत लिखने लग गया हूं, q + t² / 2 आगे मल्टीप्लाई कर देना 10⁻³ से, लिमिट पुट कर देना 10 और 10 से 20 जो भी आएगा इसका आंसर देख लेना, बड़ा चौड़ा हो गया, इसका क्या आ जाएगा, इस तरह से कई बार वेरिएबल दे रहा है तो आप इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।
ठीक है, हम लोग का एक होता है मोलर हीट कैपेसिटी, होता है मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस। गैस का डिफाइन करेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी 1 मोल ऑफ गैस, गैस के डिफाइन करते हैं। ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस कैसे डिफाइन करेंगे, इसमें क्या होगा, 1 मोल ऑफ अमाउंट ऑफ गैस को, ठीक है, टेम्परेचर कितना से रेंज करना पड़ेगा, 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पे यूनिट मास ले रहे थे, यहाँ पे यूनिट मास के जगह पे क्या करेंगे हम लोग, 1 मोल ऑफ मास लेंगे, 1 मोल ऑफ गैस। ठीक है, सपोज दैट एक गैस लेता हूँ मैं, इस तरह से 1 मोल गैस लेता हूँ, ऐसे बनाते हैं केमिस्ट्री में, ऐसे मान लेते हैं कि गैस है। ठीक है, इसका टेम्परेचर क्या करना है आपको, 1 से चेंज करना है। कैसे करेंगे, हीट सप्लाई किए, अब हीट अगर सप्लाई करोगे इसमें दो कंडीशन हो सकता है, अगर मान लो कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, पहला कंडीशन लेते हैं जो हमारा क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम क्या हो, कांस्टेंट हो, और सेकंड क्या हो, जब प्रेशर कांस्टेंट हो, जब प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो, दोनों केस में क्या आएगा, हीट कैपेसिटी अलग अलग आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हीट देते हो, यहाँ पे क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट मतलब क्या होगा, आप जो हीट दोगे, अब गैस में जानते हो हीट देते हो तो क्या होता है, इंटरनल एनर्जी चेंज होता है, साथ 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 वर्क डन होता है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी चेंज होता है, साथ साथ वर्क डन होता है। अगर मान लो कि यहाँ पे रखोगे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे रखोगे, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, इसको फिक्स कर रखे हो, बैठ के बगल मत बोलो ना, कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे जितना हीट रिक्वायर्ड होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा हीट रिक्वायर्ड कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पे, इसलिए पढ़ोगे थोड़ा इसमें। यहाँ पे हम लोग दो तरह के हीट कैपेसिटी को डिफाइन करते हैं, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे है उसको हम लोग बोलते हैं सीवी, और कांस्टेंट प्रेशर पे है तो इसको हम लोग बोलते हैं सीपी, सीपी सीपी चंद्र प्रकाश, सीवी क्या होगा जी, कोई तो होगा, सीवी और सीपी, सीवी क्या हो गया, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन। उस तरह से ये क्या होगा, एट कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी हीट रिक्वायर्ड होगा 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन से 1 मोल ऑफ गैस को चेंज करने के लिए, वो क्या हो जाएगा हमारा, सीपी हो जाएगा, सीवी हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से सीवी बोलते हैं तो सीवी इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट सप्लाई किया गया है डिवाइड बाय, अगर मान लो कि इसमें एन नंबर ऑफ मोल है, एन बाई डेल्टा टी, मान लो कि यहाँ पे आपने क्यू वी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया, एन नंबर ऑफ मोल इसमें गैस है, ठीक है, इसका टेम्परेचर डेल्टा टी से राइज हो गया, तो सीवी कैसे डिफाइन होगा, क्यू वी डिवाइड बाई एन डेल्टा टी। उस तरह से सीपी देखने का, सीपी क्या आ जाएगा, हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, डिवाइड बाय डेल्टा टी, क्योंकि पर यूनिट में निकालना है। ठीक है, यूनिट में बस कुछ नहीं होगा, वही रहेगा, बस यहाँ पे जहाँ पे केजी और ग्राम लिखते तो वहाँ पे आप मोल लिख दोगे। ठीक है, अब बताओ कि सीपी और सीवी को रिलेशन निकालना है, कैसे निकालेंगे, अगर मान लो कि डेल्टा टी, अगर आप यहाँ क्यू वी हीट सप्लाई किया गया हो, क्यू वी हीट जो सप्लाई किया हो किसके बराबर होता है, हीट सप्लाई, हीट सप्लाई क्या होगा, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, ये होता ना, यस सर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। अगर यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन जीरो, वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसी तरह से अगर मान लो कि यहाँ पे क्यूपी अमाउंट ऑफ हीट अगर सप्लाई किया हो, देखते रहना बस, ज्यादा लिखने का मन नहीं कर रहा, क्यूपी अमाउंट टाइम भी हो गया है, यहाँ भी क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, प्लस वर्क, ठीक है, वर्क डन इन कांस्टेंट प्रेशर एंड वर्क डन इन कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम तो वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा। अगर हम बस थोड़ा सा है,
अगर मान ले करते हैं क्यूपी माइनस क्यूवी करते हैं, क्यूपी माइनस क्यूवी करते हैं, अगर टेम्परेचर रेंज अगर सेम हुआ है, टेम्परेचर रेंज अगर सेम हुआ है, तो चेंज इंटरनल एनर्जी क्या होता है, कैसा फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन होता है। ये डिपेंड किस पे करता है, स्टेट फंक्शन, फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर रेंज अगर सेम हुआ है दोनों केस में, टेम्परेचर रेंज हम क्या मान के चल रहे हैं, सेम मान के चल रहे हैं, तो चेंज इंटरनल एनर्जी क्या होगा दोनों का, सेम होगा, जीरो हो जाएगा, मतलब सेम हो जाएगा दोनों। हां, चेंज क्या हो जाएगा, अगर क्यूपी क्यूपी माइनस क्यूवी करें हम लोग, क्या हो जाएगा, सिंपल सिंपल क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा, वर्क डन इन कांस्टेंट प्रेशर। अब कांस्टेंट प्रेशर में जो वर्क डन होता है, क्या होता है वर्क डन, पी डेल्टा वी के बराबर, पी पी डेल्टा वी होता है कि नहीं होता है, होता है सर, भुला गए होंगे ना सर, इतना दिन तो हो गया, कैसे बात कर रहे हैं, पी डेल्टा वी के बराबर होता है ना, यस सर। और अगर आइडियल गैस है तो आइडियल गैस में ये तो नहीं भूले होगे, पीवी इज इक्वल टू एन आर एन आर टी, अगर यहाँ से बोले P डेल्टा V इज इक्वल टू, तो कितना जाएगा ये N R डेल्टा T, N कांस्टेंट है R कांस्टेंट है, पैक्ड गैस है ना, पैक्ड गैस में कहीं भी लीकेज नहीं हो रहा है, तो नंबर ऑफ मोल क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, N R डेल्टा T, ठीक है। तो अगर यहाँ से QP और QV लिखे, तो QP इज इक्वल टू कितना जाएगा, QP इज इक्वल टू N CP डेल्टा T, और QV इज इक्वल टू कितना जाएगा, तो क्या बचेगा, सीपी माइनस सी माइनस सी वी आर, आर सीपी माइनस सी वी इक्वल टू आर। एक और आपने पढ़ा होगा सीपी बाय सी वी इक्वल टू क्या होता है, गामा, पढ़े हो, भूल ही गए, भूल गए, वेरी गुड। CP by CV इक्वल टू क्या होता है, गामा, गामा। यहाँ से दोनों को रिलेशन निकालोगे, फटाफट लिख लेते जाता हूँ, अगर यहाँ से आप CV की जगह पुट कर दो, CV की जगह अपने पुट कर दो, CP की जगह पुट कर दो, CP की जगह पुट करो, गामा इंटू CV, गामा इंटू CV, और CV यहाँ से कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 1 माइनस गामा इंटू CV, 1 माइनस CV इक्वल टू क्या आ जाएगा, R डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा, होगा कि नहीं होगा, होगा सर, उसी चीज को घुमा फिरा के लिखते जा रहे हैं, तो CP इक्वल टू कितना आ जाएगा, CP इक्वल टू गामा इनटू CV, तो गामा इनटू CV, CV कितना है, R अपॉन 1 R अपॉन 1 बाय मतलब 1 माइनस गामा। ये सब कुछ कुछ डाटा है, याद रखोगे, जहां पे R की वैल्यू कितनी होती है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता है सब, 8.314 याद है ना, वो भी भूल गए, हां याद है सर। ये हो गया हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट क्या, कांस्टेंट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। ए आप एक बार को, एक छोटा सा क्वेश्चन है, टाइम बचा थोड़ा सा, 5 बज गया, क्लास है ये सर, 5-10 से क्लास है, सॉरी चलो आज के लिए तो इतना ही, तो फिर एक आध क्लास और लग जाएगा, और हीट ट्रांसफर भी पढ़ना है जी, हीट ट्रांसफर तो सर ऐसे डिस्कशन तो हो जाएगा, रेडिएशन तो हो गया था, और तो कुछ बचा नहीं है, रेडिएशन मेन तो रेडिएशन ही है, वो तो क्या ही है, एक बार खुद से ट्राई करना, नहीं हुआ तो थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में पढ़ा देंगे, तो ऐसे की एक क्लास लगेगा, एक क्लास में हमको लगता है की कैलोरीमेट्री खत्म हो जाएगा, थोड़ा बहुत हीट ट्रांसफर भी कर देंगे, ठीक है, अभी कार्नोट इंजन वाला कोई बचा हुआ है, यस सर, हैं नहीं सर, मतलब एक, हां मतलब जो देख लेंगे सर एक बार थोड़ा अच्छा से देख हो जाएगा ना, बचा है कि नहीं बचा है, ऐसे फालतू में परेशान मत करो, यस सर देख लेंगे, नहीं होगा तो पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लेना, हां ठीक है। पीडीएफ चाहिए कि नहीं चाहिए, यस सर भेज दीजिएगा, ठीक है। और दूसरा तो पता नहीं, चंदन बोलते, ओ आदित्य गौतम तो बोलता ही नहीं है सर, वो बस ऑन करके छोड़ देता है लगता है, वो किसी में कुछ नहीं बोलता है, अच्छा बाकी में भी नहीं बोलता है, ऑन करने ही छोड़ने क्या मतलब, कोई मारने थोड़ा जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, बोला बोला कुछ बोलना चाहता है कुछ,
चलो ठीक है, एंड कर रहे हैं। ठीक है सर, लिव करता हूँ।